अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज के इस लेक्चर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स टॉपिक नंबर 27 से 30 तक कवर करवाने वाले हैं। सो अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 27 का बेसिकली टाइटल है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज, पोर्टर मॉडल्स एंड स्ट्रेटजी डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें जो डिस्कस किया गया वो लेवल ऑफ स्ट्रेटजी को डिस्कस किया गया, पोर्टर मॉडल को डिस्कस किया गया, BCG को डिस्कस किया गया, उसके अलावा डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन को डिस्कस किया गया। लेवल ऑफ स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें जो है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की बात की गई, मतलब जो डेवलप किया गया था बाय द टॉप मैनेजमेंट एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो डेवलप किया था उसके बारे में। फर्दर ये कि ये बताती है कि बिजनेस क्या, किस तरीके से इसमें कॉर्पोरेशन करनी चाहिए, उसके अलावा इसमें इन्वॉल्व होती है कि ग्रैंड स्ट्रेटजी जिसका पर फ्रेमवर्क है और जो कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स के वो भी इन्वॉल्व होते हैं। और मेनली ये कि फोकस करते हैं कोऑर्डिनेशन पे, स्ट्रेंथिंग पे, कॉम्पिटिटिव पोजिशन पे और रिसोर्स एलोकेशन वगैरह पर। फर्दर जो बात की गई है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी की बात की गई है, अब इसमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं कॉम्पिटिशन विद इन द स्पेसिफिक बिजनेस, और ये एप्लीकेबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप सेपरेट डिविजन यूज करते हो इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फर्दर ये यूटिलाइज करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स को, मतलब SBU को। उसके अलावा यहाँ पे फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की बात की गई जो कि फोकस करता है आपके एक्शन प्लान विद इन द बिजनेस फंक्शन, डेवलप करते हैं फंक्शनल मैनेजर्स को जिसमें आप रिव्यू करते हो बाय योर बिजनेस यूनिट हेड्स। फर्दर ये कि यूटिलाइज करते हैं स्ट्रेटजीज को बिजनेसेस के साथ, लाइक जो आपकी सपोर्ट करता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को। उसके बाद बात की गई है यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में, तो इसमें जो डिस्कस किया गया वो ये है कि ये क्रिटिकली मैक्सिमाइज करती है आपके स्ट्रेटजिक इम्पैक्ट्स को जिसमें आप अक्रॉस करते हो कॉर्पोरेट को, बिजनेसेस को और फंक्शनल लेवल्स को। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात कर लें तो इसमें जो है स्ट्रेटजी के फॉर्मुलेशन होते हैं, मतलब इसमें पोर्टर फोर्सेस मॉडल के बारे में डिस्कस किया गया। सो ये डेवलप किया था मिचेल्स ई पोर्टर ने, जो कि असेस करें इंडस्ट्री की कॉम्पिटिशन को थ्रू 5 फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें रिवेलरी की बात की गई है, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स है, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स है, उसके अलावा थ्रेट ऑफ अ न्यू एंट्रेंट्स है, थ्रेट ऑफ सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स है। तो उसके अलावा इसमें हाइपर कॉम्पिटिशन की बात की गई जो कि लीड करता है अनसर्टेनिटीज को, डायमेनिज्म को और हाइड्रोजेनिटीज को। इंटरनल असेसमेंट की बात करें तो इसमें रिसोर्स पे स्ट्रेटेजिक व्यूज होते हैं जो कि फोकस करते हैं कॉम्पिटिटिव इम्प्लीकेशंस पे और ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्स और कैपेबिलिटीज वगैरह पर। इसमें इंक्लूड होता है आपकी फाइनेंशियल या फिजिकल ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं वो इंक्लूड होते हैं इसके अंदर। फर्दर यहाँ बात की गई है असेसिंग की, बेसिकली असेसिंग कॉम्पिटिटिव इम्प्लीकेशंस के बारे में, तो इसमें जो डिस्कस किया गया वो ये है कि इसमें वैल्यूज, रेयरनेस, इम्पेटेबिलिटीज और ऑर्गेनाइजेशन अलाइनमेंट्स ऐड होती हैं। उसके अलावा इसमें सस्टेन कम्युनिटी एडवांटेजेस होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं किसी भी वैल्यूएबल या रेयर या डिफिकल्ट इमिटेट को रिसोर्स करने के लिए। फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें ग्रैंड स्ट्रेटजीज ऐड होती हैं, जैसे कि ग्रोथ स्ट्रेटजी आती है हमारे पास जिसमें कि आपका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है, उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन होते हैं इंप्लीमेंट करते हैं थ्रू यू इंटरनल ग्रोथ, एक्विजन होती हैं, मर्जर्स होते हैं और ज्वाइंट वेंचर्स वगैरह भी इसमें ऐड होते हैं। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें आप मेंटेन करते हो स्टेटस क्यू को और बेसिकली आप स्लो करते हैं, उसके अलावा आपकी जो इसमें है मेथोडोलॉजिकल ग्रोथ होती है। डिफेंसिव स्ट्रेटजी की बात कर लें तो यहाँ पे हार्वेस्ट होता है, लाइक कोई टर्न अराउंड होता है, उसके अलावा इसमें डाइवर्सिट्यूट होते हैं, बैंक्रप्सी होते हैं, लिक्विडेशन भी इसमें आती हैं। पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी अप्रोच की बात करें फर्दर यहाँ पे, इसमें जो डिस्कस किया गया है पोर्टफोलियो के बारे में, इसमें क्या होता है कि जो आपकी लाइक BCGs हैं वो ग्रोथ करती हैं, मतलब कि शेयर मैट्रिक्स में ग्रोथ करती हैं, प्रोडक्ट मार्केट में वैल्यूएशन आती हैं। BCG मैट्रिक्स डिफाइन करता है स्टार्स को, क्वेश्चन मार्क्स को, कैश कॉस को और डॉग्स को। प्रोडक्ट मार्केट में एवोल्यूशन होती है और मार्केटिंग में असेस करती है, जैसे कि इंडस्ट्री लाइफ साइकिल स्टेजेस में आता है ये सारा प्रोसेस। फर्दर यहाँ पे फॉर्मुलेटिंग बिजनेस लाइफ स्ट्रेटजी की बात की गई है, तो इसमें कॉस्ट लीडरशिप होती है, एम्फोसाइज करता है ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसीज को फॉर अ लोअर और ओवरऑल कॉस्ट। फर्दर ये रिक्वायर करता है कॉस्ट ऑफ एडवांटेजेस जो कि इजिली इमिटेटेड नहीं होती। डिफ्रेंसिएशन की बात कर लें तो इसमें आप डिवेलप करते हो यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज अपनी इंडस्ट्री के अंदर, उसके अलावा उसमें फोकस करते हो ब्रांड्स पे, टेक्नोलॉजीज पर, कस्टमर्स की सर्विसेज पे, क्वालिटीज वगैरह पर। फोकस की बात करें फर्दर तो यहाँ पे स्पेशलाइज होता है इन द कॉस्ट लीडरशिप, और डिफ्रेंसिएशन होता है आपका विद इन द पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट्स।
फर्दर बात की गई है फॉर्मुलेटिंग बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज के बारे में। सो यहाँ पे स्पेशलाइज होता है लीडरशिप में, जो कि मैंने आपको पहले बताया। फर्दर ये कि इसमें डेवलप करते हो आप डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रेटजीज को। अब स्ट्रेटजीज की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है बेसिकली, कि यहाँ पे जो है आप इन्वॉल्व करते हो पुट करने में एक स्ट्रेटजी को इन मोशन, और उसके अलावा इसको आप साइंक्रोन करते हो फैक्टर्स को, उसके अलावा मॉनिटर करते हो प्रोग्रेस। इसको की फैक्टर्स में आपके टेक्नोलॉजीज आती है, ह्यूमन रिसोर्सेज आते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम आता है, डिसीजन प्रोसेसेस आता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स भी इसमें ऐड होते हैं। फर्दर ये कि जो स्ट्रेटजी कंट्रोल है मॉनिटर करते हैं क्रिटिकल इन्वायरमेंट फैक्टर्स को, और असेस करते हैं आपके इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेटजीज को और आपके जो एक्शंस हैं उनको। चैप्टर नंबर 28 की बात कर लें तो यहाँ पे बात की गई है एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप होता है लाइक कोई भी स्मॉल बिजनेस का स्टार्टअप करना, जो लोग खुद बिजनेस स्टार्ट करते हो उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर कहते हो, जो बिजनेस है उसको आप एंटरप्रेन्योरशिप कहते हो। फर्दर ये कि इसकी जो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है उसमें बताया गया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे जो इंडिविजुअल है, जो ग्रुप्स हैं, वो बेसिकली टाइम और मनी को एज रिस्क लेते हैं। इसमें वो क्रिएट करते हैं अपनी लाइक कोई भी प्रोसेस उसके रिगार्डलेस ऑफ देयर करंट रिसोर्सेज। फर्दर ये कि जो एंटरप्रेन्योर के वेंचर्स होते हैं वो भी पर्सुएट करते हैं अपॉर्चुनिटीज को, जिसमें इनोवेटिव प्रैक्टिसेस आते हैं जो कि फोकस करते हैं ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटीज पर। स्मॉल बिजनेस जो है बेसिकली वो इंडिपेंडेंटली ऑन किए जाते हैं इसमें, और उसके अलावा फाइनेंस में यूज होते हैं। उसके अलावा कुछ एम्प्लॉयज इसमें आप हायर कर सकते हो नोट देन, मतलब कुछ एम्प्लॉयज हो के आप उसकी कॉस्ट निकाल सको। फर्दर ये कि इम्पोर्टेंस जो है एंटरप्रेन्योरशिप की वो इस तरीके से कि इसमें इनोवेशन होती है, मतलब इसके की एस्पेक्ट्स में एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज हैं, जैसे कि इसमें चेंजेस आते हैं, एक्सपेरिमेंटिंग आता है या रिवोल्यूशनाइजिंग आती है। सेकेंडली न्यू स्टार्टअप्स के बारे में बात की गई है, सो इसमें आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो क्रिएशन ऑफ द न्यू फर्म्स को, और इसके अलावा जो है इसमें आपकी इनिशिएटिव प्रैक्टिसेस भी आती हैं। जॉब क्रिएशन की बात कर लो तो इसमें स्मॉल बिजनेस जनरेट करते हो जिसमें आपकी मेजोरिटी ऑफ न्यू नेट जॉब्स इंक्लूड होते हैं। एंटरप्रेन्योर का प्रोसेस है इसमें एक्सप्लोर करते हो आप कॉन्टेंट को, मतलब कि इसमें आप कंसिडर करते हो न्यू इकोनॉमीज को, लीगल इन्वायरमेंट को, जो आपके चेंजिंग वर्किंग डायनेमिक्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई करना है। इसमें अपॉर्चुनिटीज का सेकंड पॉइंट है जिसमें आप रिकॉग्नाइज करते हो अपॉर्चुनिटीज को और कॉम्पिटेटिव एडवांटेजेस वगैरह को। स्टार्टिंग द वेंचर में आप रिसर्च करते हो, फिजिबिलिटीज को प्लानिंग करते हो, ऑर्गेनाइजिंग करते हो, लॉन्च करते हो अपने वेंचर्स, और लास्ट पे बात की गई है यहाँ पे मैनेजिंग द वेंचर्स। इसमें आप इन्वॉल्व होती है आपकी मैनेजिंग प्रोसेस, पीपल और आपके जो ग्रोथ है वो सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्दर यहाँ बात कर रहे हैं प्रिपेयरिंग टू ऑपरेट अ स्मॉल बिजनेस। सो इसमें बेसिकली ये होता है कि इसमें आप लोग राइट करते हो एक बिजनेस प्लान, मतलब एक डॉक्यूमेंट डिटेल में लिखते हो जिसमें आपके वेरियस एस्पेक्ट आपके बिजनेस के रिगार्डिंग रिटर्न होते हैं। इसमें आपका टूल फॉर थिंकिंग होता है आपके बिजनेस होते हैं, उसके अलावा आपका जो फाइनेंस का प्लानिंग रिसोर्सेज हैं वो ऐड होते हैं, उसके अलावा आपकी जो प्रोग्रेसेज हैं, उसके अलावा जो क्रेडिबिलिटीज हैं, सब चीज़ें इसमें ऐड होती हैं। चेंज मैनेजमेंट की बात कर लें सेकेंडली, सो चेंज मैनेजमेंट बेसिकली होता ये है इसमें आपकी फोर्सेस ऑफ चेंज ऐड होती है, मतलब इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, इंटरनल फोर्सेस होते हैं। एक्सटर्नल में आपकी मार्केट प्लेस आती है, रेगुलेशन आती है, टेक्नोलॉजीज आती हैं, और इंटरनल में आपके जो है वो स्ट्रेटजी चेंजेस आते हैं, वर्क फोर्स चेंजेस आते हैं, उसके अलावा आपके न्यू इक्विपमेंट्स वगैरह भी इसमें ऐड होते हैं। लास्ट में बात की गई है स्टिमुलेटिंग इनोवेशन, मतलब कि इसमें क्रिएटिविटी वर्सेस इनोवेशन के बारे में बात की गई है। जो क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होता है आपके यूनिक आइडियाज, और जो इनोवेशन होता है उसमें आप टर्न करते हो क्रिएटिव आइडियाज को ना यूजफुल प्रोडक्ट और सर्विसेज। फैक्टर्स जो इसमें फोस्टर करते हैं इनोवेशन को, इसमें ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स आते हैं, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी आती है, इंटर यूनिट कम्युनिकेशन आती है, उसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स वेरिएबल्स भी इसमें ऐड होते हैं। चैप्टर नंबर 29 की बात कर लें तो इसमें बात की गई ऑर्गेनाइजिंग, इसमें हम लोग ने मैनेजमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को देखना है। इंट्रोडक्शन अगर ऑर्गेनाइजिंग का देखें तो इसमें बात की गई कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपेरिमेंट करती है विद वेरियस स्ट्रक्चरल अप्रोचेज, इसमें आपके मतलब जो कामयाब भी है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग आपका सेकेंड मैनेजमेंट फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है, क्रिएट कर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को, उसके अलावा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की गई है यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो एक फॉर्मल पैटर्न डिजाइन करते हैं बायर मैनेजमेंट लिंक, और इसमें जो है आप अचीव करते हैं अपने गोल्स और टास्क को, उसके अलावा ये कंसिस्ट करता है जॉब डिजाइन पर, डिपार्टमेंटलाइजेशन पर, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन भी इसमें ऐड होती हैं। फर्दर ये कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन जो कि प्रोसेस करते हैं कि आपकी डिवेलपिंग और चेंजिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में किस तरीके से हो रही है। उसके बाद ये कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 एलिमेंट्स दिए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के। सो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल है वर्क स्पेशलाइजेशन आता है इसके अंदर,
फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क स्पेशलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क होता है। डिपार्टमेंटलाइजेशन में आपके जो टास्क हैं वो ग्रुप किए जाते हैं, मतलब बाय फंक्शन, प्रोडक्ट और जियोग्राफीज। उसके बाद चेन ऑफ कमांड की बात की गई, जिसमें कैनब्रोक और लाइन ऑफ अथॉरिटीज होता है जो कि लिंक करती है इस पोजिशन के साथ। स्पैन ऑफ कंट्रोल है, जिसमें आपके नंबर ऑफ सब ऑर्डिनेट जो है वो मैनेजर के साथ इफेक्टिवली सुपरवाइज करते हैं। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो कि डिग्री के साथ आपकी बेसिकली कनेक्टेड है, मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग है उस तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड और डिस्प्रेस्ड है। फॉर्मलाइजेशन की बात करें तो इसमें एक्सटेंट ऑफ रूल्स होता है और प्रोसीजर्स होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। लास्टली बात की गई यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के बारे में, सो इसमें एक विजुअल मैप है। इन सेंस के जो विजुअल मैप है वो डिप्रिसिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स को, जिसमें आप शो करते हैं अपनी पोजीशंस को, रिपोर्टिंग करना तो इसमें जो आपकी लीडरशिप्स हैं या जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उनको, और फर्दर एक इसमें चैनल ऑफ कम्युनिकेशन आता है, टाइटल्स आते हैं जो कि इलस्ट्रेट करते हैं चेन ऑफ कमांड को फ्रॉम लोअर टू हायर लेवल्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अथॉरिटी की बात कर लें, सो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपकी ऑब्लिगेशन जो कि आप परफॉर्म करते हो ड्यूरिंग योर ड्यूटी, और इसमें आपके जो गोल्स हैं वो अचीव करते हो किसी भी पोजिशन के रिलेटेड। फर्दर एक इसमें अथॉरिटी की बात की गई, सो इसमें आप डायरेक्टली इनहेरेंट करते हो एक मैनेजरियल पोजिशन को, जिसमें आप डिसीजन लेते हो, एक्सपेक्ट योर अदर कैरी देम आउट। मैनेजर जी मेन अकाउंटेबल होते हैं अपने किसी भी डेलीगेटेड वर्क के रिगार्डिंग। उसके बाद लास्ट में बात की गई यहाँ पर डेलीगेशन के बारे में, सो ये असाइनमेंट ऑफ पार्ट है बेसिकली। इसमें क्या होता है कि जो मैनेजर्स हैं वो वर्क करते हैं विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग, और इसमें जो इसके बेसिकली रीजन है मैनेजर्स के और सबऑर्डिनेट्स के रेजिस्टेंस के लाइक डेलीगेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसमें फेयर ऑफ फेलियर आता है, लेक ऑफ टाइम आता है, डिजायर टू रिटेन पावर आता है, इंजॉयमेंट ऑफ टास्क है, फीलिंग थ्रेटन्ड है, और लेक ऑफ डेलीगेशन स्किल्स इसमें आता है। फेलियर ऑफ डेलीगेट में बेसिकली नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी चलते हैं किसी भी मैनेजर के करियर के रिगार्डिंग। चैप्टर नंबर 30 में बेसिकली डिस्कस किया गया जॉब डिज़ाइन, स्पेशलाइजेशन एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन को। अब जॉब डिज़ाइन बेसिकली क्या है? जॉब डिज़ाइन एक इंटरगल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। इसमें आप स्पेसिफाई करते हो टास्क को, आपकी जो एक्टिविटीज है उनको विद एसोसिएट करने के साथ ईच जॉब के साथ। वर्क स्पेशलाइजेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर होती है, मतलब इसमें इन्वॉल्व होता है ब्रेक डाउन करना आपके वर्क इनटू डिफरेंट सेपरेट जॉब्स, और इसमें आप ट्रेस करते हो बैक टू एडम स्मिथ। फर्दर एक इसके जो एडवांटेजेस हैं वर्क स्पेशलाइजेशन के, इसमें इंक्लूड है आपकी एफिशिएंट स्किल यूटिलाइजेशन है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स हैं, और ह्यूमन डिस इकोनॉमी में इंक्लूड करता है आपका बोर्डरूम है, फटीग है, स्ट्रेस डिक्रीज, प्रोडक्टिविटी वगैरह सब चीज़ें आती हैं। और इसमें फोर अप्रोचेज हैं जो कि जॉब डिजाइन में आती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जॉब सिंप्लीफिकेशन है इसके अंदर, सेकेंडली है यहाँ पर जॉब इनलार्जमेंट, जॉब रोटेशन एंड जॉब इंक्रीजमेंट। ये सब जो पॉइंट है इसमें डिटेल से डिस्कस नहीं किए गए अभी। फर्दर यहाँ पे डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात की गई, सो डिपार्टमेंटलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, इसमें क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स होता है जो कि यूनिटी किसी भी गोल में अचीव करने के लिए आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं वो किसी भी टास्क को लेकर जो पैशनेट होते हैं बेसिकली उसमें डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं उनके पैशंस के अकॉर्डिंग। फर्दर ये कि इसमें फोर मेजर डिपार्टमेंटलाइजेशन पैटर्न्स हैं, मतलब फंक्शनल है, डिविजनल है, हाइब्रिड एंड मैट्रिक्स है। फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है इसमें बेसिकली डिस्कस ये किया गया है कि ग्रुप पोजीशंस होते हैं जो कि बेस करते हैं आपकी एक्सपर्टीज पर, स्किल्स पर और वर्क एक्टिविटीज पर। इसमें एडवांटेजेस जो है इन दैट एक्सपर्टीज होते हैं, डेवलपमेंट होती है, उसके अलावा क्लियर करियर पाथ होता है, एफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं। उसके अलावा डिसएडवांटेजेस देख लें, सो स्लो रिस्पॉन्स टू मल्टी फंक्शनल इशूज है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके अलावा बॉटल नेक्स हैं, ओवर योर स्पेशलाइजेशन। सेकेंडली बात की गई है डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में, सो डिविजनल स्ट्रक्चर जो है आपका इसमें जो डिस्कस किया गया है वो ये कि इसमें ग्रुप की पोजिशन है वो बेस करती हैं आपकी सिमिलैरिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स पर। सिमिलैरिटीज ऑफ प्रोडक्ट इन सेंस कि इसमें आपकी सर्विसेज और मार्केटिंग कैसी है, आप किस तरीके से इसमें काम कर रहे हो। एडवांटेजेस जो है इसमें इसका क्विक रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस है, सिंप्लीफाइड कोऑर्डिनेशन है, मेजरेबल परफॉर्मेंसेज वगैरह। डिसएडवांटेजेस में रिसोर्स डुप्लीकेशन आती हैं, सेक्रीफाइस ऑफ इन डेप्थ एक्सपर्टीज आती हैं, उसके अलावा कॉम्पिटिशन अमंग योर डिविजन आता है। थर्डली जो पॉइंट डिस्कस किया गया वो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स का, तो इसमें आप इनकॉर्पोरेट करते हो एलिमेंट्स को फ्योर बोथ फंक्शनल डिविजनल स्ट्रक्चर्स। एडवांटेजेस में इसका अलाइनमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंड डिविजनल गोल्स है, स्पेशलाइज एक्सपर्टीज है, अडेप्टेबिलिटी है। डिसएडवांटेजेस में कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन योर डिपार्टमेंट एंड डिविजन्स,
स्लो रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेशनल सिचुएशंस, एंड इसमें लास्ट पे डिस्कस किया गया है मैट्रिक्स के बारे में, मतलब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में। सो इसमें आपका सुपरमोस्ट